आशुतोष गोवारिकर की पीरियड फिल्म मोहन जोदारो रिलीज हो गई है। आशुतोष गोवारिकर इज सेट टू मेक ह्यूज एंड ग्रैंड फिल्म्स लाइक लगान। आशुतोष गोवारिकर इज ऑलवेज नोन टू मेक फिल्म्स विच आर सेट इन द पीरियड फिल्म्स विच आर वेरी बिग ह्यूज एंड मैग्नम ओपस जस्ट लाइक द फिल्म लगान। इस बार वो मोहनजोदारो लेकर आए हैं जो पहली सिविलाइजेशन में बेस्ड है, द फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, जहां पर मोहनजोदारो आता है एक लड़का सरमन जो अनाथ है और उसे लगता है कि मोहनजोदारो से उसका रिश्ता है। वहां पहुंचने के बाद उसे प्यार हो जाता है पूजा हेगड़े के कैरेक्टर से जो कि कबीर बेदी की बेटी है, हु इज द रूलर ऑफ मोहनजोदारो एंड द मर्डरर ऑफ सरमन्स फादर। सरमन को लगता है कि यही मौका है बदला लेने का और एक लव स्टोरी रिवेंज ड्रामा में बदल जाती है। यानी फिल्म की कहानी वही है जो पिछले कई सालों से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सेट पैटर्न की तरह चलती रही है। इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि ये कहानी किसी लेटेस्ट प्रेजेंट एरा में नहीं बल्कि एक ऐसे पीरियड में पिक्चराइज की गई है जब रिसोर्सेस बिल्कुल नहीं थे, कहानी का दौर बिल्कुल अलग था। बाहुबली देखने के बाद लोगों को ऐसी कहानियों से एक्सपेक्टेशन और बढ़ जाती है। जब आप एक ऐसे एरा को देख रहे हैं जहां पर हथियार, जहां की लैंग्वेज, सब कुछ अलग अलग हो। मोहनजोदारो का म्यूजिक बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं हुआ है डिस्पाइट ऑफ बीइंग एआर रहमान्स म्यूजिक। फिल्म के म्यूजिक ने कोई हल्ला नहीं मचाया, फिल्म की स्टोरी बहुत ज्यादा नई नहीं है। फिल्म में सबसे ज्यादा काबिले तारीफ काम किया है ऋतिक रोशन ने, हु इज लुकिंग लाइक द ग्रीक गॉड एज ऑलवेज एंड ही हैज परफॉर्म्ड द स्टंट्स एंड एक्शंस वेरी वेल। पूजा हेगड़े इज फेयरली इंप्रेसिव लेकिन उनके लिए बहुत ज्यादा फिल्म में कुछ था नहीं। कबीर बेदी वॉज लुकिंग गुड एज द विलन लेकिन ये फिल्म ऑडियंस को इम्प्रेस करने में उतनी सक्सेसफुल शायद ना हो पाए। फिल्म 100 में से आपके 65 रुपए वसूल करा सकती है, वो भी तब अगर आप ऋतिक रोशन के हार्डकोर फैन हो तो। जस्ट गो एंड वॉच दिस फिल्म मोहनजोदारो इन द थिएटर्स नियर यू।